dragons. A power man should never have trifled with. हमें कहाँ से जाना है सैमुएल? सारे ऐसे काम करने हैं जिसमें उन्हें मेरी जरूरत नहीं वो है। चाहते हैं कि हम सब साथ रहें। शायद तुम्हें इस शिकार में मजा आए। थ्रोन का वारिस सिर्फ इसलिए घोषित किया गया था ताकि मैं कैस्टरली रॉक की रुतबे की बराबर। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 के एपिसोड 3 की। तो दोस्तों, इस एपिसोड की जो कहानी शुरू होती है एक ड्रैगन के साथ शुरू होती है, जहां वो युद्ध में लोगों पर आग बरसाता दिखाई देता है। फिर राजा का एक लड़का होता है जो राजा विसेरिस का उत्तराधिकारी होता है और उसकी खुशी में एक पार्टी रखता है। सभी सिपाही उसे जंग के बारे में बताते हैं। राजा सिर्फ रेनेरा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि पार्टी में रेनेरा नहीं होती है, लेकिन राजकुमारी एक पार्क में बैठकर पढ़ रही होती है और साथ में एक बंदे के साथ गाना भी सुन रही थी। रानी डेलिनिया हाई टावर वहाँ आ जाती है और उसे साथ चलने को बोलती है किंग्स एडवेंचर में। पूरा परिवार किंग्स एडवेंचर जाते हैं शिकार पर। फिर पूरा परिवार किंग्स एडवेंचर पहुंचकर पार्टी करते हैं, लेकिन राजकुमारी रेनेरा थोड़ा नाराज सी नजर आती है क्योंकि जब वो रानी व उसकी कुछ साथियों के बीच जाती है तो अच्छे से बात नहीं करती है, तो फिर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमारी लॉर्ड जेनेस्टर से मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा के पास जाती है और वो शादी के लिए मना करती है, लेकिन राजा उसे शादी के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। फिर राजकुमारी एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाती है। एक सिपाही सर कृष्ण उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर राजकुमारी उसे बताती है कि पिताजी मेरी लॉर्ड जेनेस्टर से शादी करना चाहते हैं। फिर वो दोनों आपस में बातें करते करते पैदल चले जाते हैं व्हाइट हाउस की तरफ। फिर दूसरी तरफ राजा अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाता है। फिर लॉर्ड जेनेस्टर राजा से मिलता है और तुम्हारी रेनेरा की शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा मना कर देता है। फिर राजा का एक दरबारी राजकुमारी के लिए प्रिंस एगोन का नाम सजेस्ट करता है जो कि अभी 2 साल का होता है, लेकिन राजा मना कर देता है और राजा रेनेरा को ढूंढने के लिए कुछ सिपाही भेज देता है। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी और सर कृष्ण दोनों जंगल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सर कृष्ण को वहां किसी के होने का आभास होता है, तो वो देखता है कि वहां एक जंगली चूहा होता है जो उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। फिर दूसरी तरफ रानी डेलिनिया राजा से मिलती है, जहां राजा अपनी बेटी रेनेरा के बारे में बताता है कि मैं उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, लेकिन वो लड़की है, लेकिन फिर मैंने दूसरी शादी की, इस बार मैं कहीं गलत ना हूं, क्योंकि राजा को लड़का चाहिए होता है। फिर राजा शिकार पर निकलता है और एक हिरण का शिकार करता है। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी भी वापस आ जाती है एक जंगली सुअर को साथ लेके। फिर रानी राजा से मिलती है और वो दोनों आपस में रेनेरा की शादी की बात करते हैं। पेमोन और कोरोनेस जो जंग हो रही होती है उसमें वो राजा वेसेरिस से मदद के लिए एक चिट्ठी भेजती है, रानी मत के लिए बोलती है, लेकिन राजा ना कर देता है। फिर राजा डेमोन के लिए मदद का संदेश देता है। फिर राजकुमारी और राजा दोनों आपस में मिलते हैं, जहां राजकुमारी राजा को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूं, क्योंकि मेरा पूरा हक तुम आने वाले बच्चे को देना चाहते हो। फिर राजा राजकुमारी से बोलता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए और तुम अपना शादी अब खुद ढूंढ लो। फिर वहां से राजकुमारी चली जाती है। दूसरी तरफ जो जंग छिड़ी थी वो लोग डेमोन के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं राजा ही जब उनकी मदद नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लेकिन लॉर्ड कोरिस उनको बगावत करने के लिए मना कर देता है। फिर राजा विसेरिस का डेमोन को संदेश मिलता है। फिर डेमोन युद्ध के मैदान में चला जाता है, वहाँ चालाकी से अपना हथियार डालता है, लेकिन फिर वो बाद में वॉर कर देता है। लेकिन डेमोन को वहाँ कुछ सैनिक घेर लेते हैं। फिर वहाँ ड्रैगन उनकी सहायता के लिए आ जाता है और आखिरकार इस युद्ध में जो है डेमोन जीत जाता है। तो दोस्तों, इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।